तो आज हम बात करेंगे, क्लास की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम से। हमारे एक ऐप यूजर है, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा और मैं सोचा कि ये सवाल आपके साथ भी मैं शेयर करूं तो ठीक होगा, क्योंकि उनकी सवाल एक जनरल प्रॉब्लम है। ठीक है सर, तो यहाँ आपके सामने एक डेटा दिया हुआ है, इसमें एक बंदे का नेम और एड्रेस है। ठीक है, अब इनको इनका जो है कि इससे पहले शॉप से पहले जो चौक लिखा हुआ है ना, वो उठाना है उनको से। पंडित चौक दिख रहा है सर, ये पंडित चौक उनको उठाना है, या फिर चौक उठाना है। क्लियर है सर, समझ में आया सर आपको? सर जी तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा है, उन डेटा में से जिस जिस डेटा में चौक से पहले सॉफ्ट से पहले जो दिया हुआ है उसको उठाना है। ओके, समझ में आया सर आपको? जी चलिए इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। देखिए, अब इससे पहले हम जानेंगे कि किसी भी नंबर में से किसी नंबर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या दिया हुआ है। तो आपके सामने डेटा दिया हुआ है, राइट? अब इस डेटा में अगर हम जाएं तो हमारे पास एक मिड का फॉर्मूला, एक लेफ्ट का फॉर्मूला होता है जो कि लेफ्ट से अलग करता है। जितना डिग्री कहोगे उतना डिग्री, जितना डिजिट बोलोगे उतना डिजिट अलग कर देगा। दूसरा हमारे पास होता है मिड इसका राइट का फॉर्मूला। राइट के फॉर्मूले में राइट से जितना डिजिट बोलोगे उतना डिजिट अलग कर देगा। और फिर आता है फॉर्मूला मिड का। मिड का फॉर्मूला में जितना डिजिट मिड से बोलोगे उतना डिजिट आपको बता देगा। तो मिड यहाँ पे डालना होगा कि तीसरा चौथे नंबर से पहला करेक्टर, या आप चौथे नंबर से या पांचवें नंबर से होगा, यहाँ पे पांचवें नंबर से तीन करेक्टर, तो ये अलग कर देगा। है सर? ओके तो यहाँ कैसे होगा? तो इसमें जो इनिशियल वर्ड फिक्स वर्ड है वो शॉप है, तो यहाँ पे शॉप से पहले चीजें उठानी है। तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूं फॉर्मूला फाइंड का, ठीक है, तो फाइंड फॉर्मूले में मैंने बोला चौक शॉप, शॉप बोला और इसको सिलेक्ट करके स्टार्ट नंबर वन से दिया, तो ये बता दिया कि 56 नंबर जो है शॉप का, मतलब ये जो एस दिया हुआ है ना सर, एस जो है 56 नंबर पे है। ओके, मतलब कि अगर मैं लेफ्ट का फॉर्मूला लगाता हूं यहाँ पे लेफ्ट का, और इसमें बोलता हूं कि भाई इसमें जाओ और 56 से एक कप उठा लो, तो आप देखेंगे कि चौक तक उठ के आ जाएगा। आ गया सर डाउट इसमें? अब मुझे यहां बताना है कि जो चौक है उससे पहले वाला ये जो स्पेस है ना, इसका पता चल जाए। समझे सर? कैसे पता चलेगा सर? तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रैप्ट का। हर सिचुएशन तो बहुत अलग अलग है, बट मेरे पास एक फॉर्मूला होता है रैप्ट का। रैप्ट फॉर्मूला, से मान लीजिए इसमें मैंने 5 को बोला 3 बार रिपीट कर, तो 3 बार कर दिया, मतलब कि इसके स्टार्टिंग पोजीशन में जो करेक्टर देंगे उस करेक्टर को वो रिप्लेस कर देता, जितना मर्जी उतना बड़ा बोलोगे आपको रिप्लेस कर देगा। और एक सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से आप इसमें चाहे जितना मर्जी, जिस करेक्टर को जिससे रिप्लेस करना चाहे कर सकते हैं। तो हमने बोला कि स्पेस को रैप्ट, स्पेस 99 से रिप्लेस कर। तो जितने भी वर्ड थे उसके बीच में उसने 99, दिख रहा आपको, बाई चौक पंडित चौक 99 लेटर ऐड कर। अब 99 लेटर ऐड हो गया, अब ये क्या करेगा, राइट से हम क्या करते हैं, राइट से इसमें 99 कैरेक्टर ले लेते हैं। अच्छा, चौक के बाद भी
-2, ठीक है, यहां -2 करना पड़ा क्योंकि स्पेस था ना, इसलिए ये चौक आ गया। अभी इस राइट फॉर्मूले को मैं लगा देता हूं 3, आ गया चौक सर, क्लियर हाँ है। तो यहां एक सेल पे लगाने के लिए क्या करेंगे हम, यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ट्रिम का, ट्रिम के अंदर हम देंगे राइट का फॉर्मूला। एक बात बताइए कि हम रिवर्स तरीके से नहीं जा सकते हैं, ये नहीं, बोले कि फाइन, हमें फाइन का फॉर्मूला इस तरीके से भर सकता है, लेकिन इस तरीके से नहीं हो सकता, इसके लिए रिवी यूज करना पड़ेगा। फाइन रिवर्स नहीं है, मतलब आर फाइन या आर फाइन जो है वो नहीं है, आर फाइन नाम से कोई नहीं है, रिवर्स फाइन नाम से कोई नहीं है, ठीक है ना। नहीं, जैसे हम कोई दूसरा फंक्शन नहीं होता जो कि चौक से पहले जो भी स्पेस है वो निकाल ले, शॉप से पहले उससे रिवर्स ऑर्डर में पहला स्पेस जो हो, हाँ, तो चौक से पहले का चौक से रिवर्स, नहीं शॉप हाँ, एस शॉक से हमें शॉप पहले यहाँ पे निकल जाएगा, तो निकल यहाँ पे, नहीं नहीं मैंने -1 किया, ठीक है, S56 आया एंड देन -1 एंड उससे रिवर्स ऑर्डर में तो आपको पहला यही स्पेस। निकल जाएगा ना, तो इससे थोड़ी चाहिए, हमें तो इससे पहले का स्पेस चाहिए ना, यहाँ इसका स्पेस नहीं, चाहिए। तो मैंने एक माइनस कर दिया ना, मैं के पे चले हाँ, तो गया, के से यहाँ के पे जब चले आया तो इससे नहीं ना हो पाएगा, क्योंकि तो जब भी फाइन लगेगा ये पूरा यहाँ से लगेगा। अब चौक जो है इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, बात समझ रहे हैं, इस पे 4 लीटर की जगह पे 10, 20, 25 लीटर भी हो सकता है, शॉप हमारा फिक्स है, पर इससे पहले कुछ भी हो सकता है। तो हम ये जो स्पेस है आपका, ये यहाँ देखिए ऊपर, ये जो स्पेस है हमें, ये अगर ए स्पेस आ जाता है तो हम निकाल सकते हैं, समझ गया ना, पर ए स्पेस नहीं आएगा क्योंकि इसको रीड करने के लिए एक्सेल में कोई फीचर नहीं है, बीवीए में है बट एक्सेल में फीचर नहीं, समझे सर। हेलो, ओके सर, तो यहां पे फॉर्मा लगाएंगे हम ट्रीम का, ट्रीम के बाद हम फॉर्मा लगाएंगे राइट का, राइट में फॉर्मूला देंगे हम सब्स्टिट्यूट का, सब्स्टिट्यूट के अंदर हम इस टेक्स्ट को लेते हैं और बोलते हैं स्पेस को रैप्ड फॉर्मूला की मदद से, स्पेस को 99 टाइम रिपीट करके दे, सॉरी, ट्रिम राइट में भी हमें यहाँ पे कॉमा मेंटेन करना है। और A1 को ऐसे नहीं करना पड़ेगा, A1 में जो लगेगा फॉर्मूला वो लगेगा लेफ्ट का, ये इस मदद से ये 1114 है, ये आ गया, ये जो एग्जांपल आप देख पा रहे हैं इस फॉर्मूले की मदद से क्या कर रहा है, लास्ट के नंबर दे दे रहा है, लेकिन पर्टिकुलर वर्ड के बाद का नंबर चाहिए, तो जो A1 है इसको फिर मुझे चेंज करना होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको करना पड़ेगा लेफ्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, लेफ्ट में हम सिलेक्ट करते हैं A1 और फिर यहां पे हम देंगे फाइन का फॉर्मूला, फाइन में हम देते हैं शॉप, लेकिन केस सेंसिटिव होता है, ध्यान रखिएगा, बड़े छोटे का फर्क रखिएगा, अदरवाइज सर्च का फॉर्मूला लगा सकते और -2, इसको क्लोज करना होगा। ठीक है सर, हेलो, आया समझ में सर आपको, यस सर, और इसको नीचे तक हम ड्रैग कर देंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, आ गया। बट ये पंडित चौक जो है, अगर चौक से पहले जो है पंडित चौक भी लेना है तो फिर उसके लिए फिर चौक को ढूंढना पड़ेगा और सेम प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा जिससे पंडित आएगा। ओके सर, पर इसको हम वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग जब ले जाएंगे तो भी इजीली तरीके से इसको निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं।